हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 10 व्हिच इज बेसिकली वेक्टर एलजेब्रा, उस एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज यूनिट वेक्टर? बेसिकली जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड मींस लेंथ होती है आपके पास, मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, इन एक्स वाई प्लेन। और ये जो यूनिट वेक्टर है ये एक्स वाई प्लेन पर है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब आप वेक्टर और 3D को अगर देखेंगे तो ये दोनों चैप्टर बहुत जुड़े हुए हैं। तो तीन एक्सेस आपके पास है, एक्स वाई और जेड एक्सेस, जिसमें से जब उसने आपको कहा कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर है, इसका मतलब इसने जेड के साथ जो है वो आपका 90 डिग्री का एंगल बनाया है, एंड कॉस 90 डिग्री इज जीरो। तो इसीलिए आपके पास जो z का कोफिशियंट होगा वो तो जीरो आ गया। फिर इसने कहा x के साथ उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री का, और y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बताया ये उसने नहीं बताया। ठीक है, तो देखिए जब एक्स वाई प्लेन पे कोई वेक्टर है या वैसे भी कोई वेक्टर होता है तो दैट इज बेसिकली एक्स आई वाई जे और जेड के। तो सबसे पहले आपने वैक्टर को नाम दिया, बिकॉज ये एक्स वाई प्लेन पर है तो आपका जो जेड होगा दैट इज जीरो, तो देयरफॉर योर वैक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जीरो के। और उसने आपको बताया था कि x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है, 30 डिग्री। तो आप ये x कैसे निकाल सकते हैं, अगर उसे 30 डिग्री का एंगल बनाया तो आप LMN निकाल सकते हैं। LMN बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, और जो यहां पर होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। तो आप चाहें तो डायरेक्शन रेशियो लेकर भी वेक्टर बना सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस लेके भी बना सकते हैं। वैसे डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो कैसे निकलता है, एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर। जब आप किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास क्या बनता है, LMN को बताता है, उसके जो कोफिशियंट होते हैं। तो L आपके पास सबसे पहले आप निकाल लीजिए, 30 डिग्री आपको एंगल दे रखा है तो cos 30 डिग्री, M आपको नहीं गिवन है cos थीटा, और N की वैल्यू आपको पहले से क्लियर है जीरो। नाउ cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। आपको L पता चल गया, M नहीं पता, n की वैल्यू आपको जीरो दे रखी है। आपको गिवन था ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। आप ये भी कह सकते हैं इसकी जगह कि ये जो z वेक्टर है दैट इज एल आई एम जे प्लस एन के कैप, ठीक है, वेयर l आपको क्लियर है, रूट 3/2 आई है, m आपको नहीं पता एंड दैट इज जीरो के कैप। और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की खास बात होती है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है आपके पास, वन होता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं आप, या आप ये भी देखिए मैग्नीट्यूड की बात भी है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि LMN के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। LMN में क्या होता है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का सम हमेशा कितना होता है आपके पास, वन होता है। तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूनिट वेक्टर वाली बात भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप यूनिट वेक्टर वाली बात इस्तेमाल करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी रूट 3/2 का होल स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 3/4, एंड दैट इज एम स्क्वायर प्लस जीरो। ये मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है, वन दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो सिमिलरली दोनों ही तरीके हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एल की वैल्यू आपके पास थी, एम मिसिंग था, एन आपके पास जीरो था, तो ये बन गया आपके पास 3/4 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू वन। तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/4 और एम की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2। तो आपका वैक्टर कंप्लीट हो गया, एक्स की वैल्यू आपके पास पहले आ चुकी थी रूट 3/2 आई, और अब एम की वैल्यू आ गई 1/2 जी। तो दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो दो पॉइंट्स अगर आपके पास गिवन हो तो वेक्टर कैसे बनाया जाता है, तो देखिए अगर आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं और आपको एक वेक्टर बनाना है तो वेक्टर बनता है, जैसे अगर आप पी क्यू वैक्टर बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पी क्यू वैक्टर बना रहे हैं तो क्यू में से पी के पॉइंट्स माइनस होकर ये वैक्टर बनेगा। अगर आप क्यू पी वैक्टर बनाते तो आप P में से Q के कोफिशियंट जो है वो टर्म्स जो है वो माइनस करते, पॉइंट्स माइनस करते, कोऑर्डिनेट माइनस करते। तो देखिए अभी हम फिलहाल यहां पर PQ वेक्टर बना रहे हैं, तो PQ वेक्टर का मतलब क्या होगा, Q के कोऑर्डिनेट में से P के कोऑर्डिनेट माइनस करना, यानी X2 माइनस X1, ये आपका फर्स्ट डिजिट आपको मिल गया, उसके आगे I, देन Y2 माइनस Y1 J एंड Z2 माइनस Z1 K, दिस इज योर PQ वेक्टर। इफ इट इज QP वेक्टर तो ये P में से Q माइनस होता है, यानी X1 माइनस X2, Y1 माइनस Y2 एंड Z1 माइनस Z2। तो फिलहाल हम लोगों ने PQ वेक्टर बनाया है, ये आपके पास PQ वेक्टर आ गया। उसने आपसे पूछा था इसके स्केलर कंपोनेंट्स बता दो, तो स्केलर कंपोनेंट होते हैं जिसमें IJ के ना लिखा हो, तो दीज आर योर स्केलर कंपोनेंट। तो X2 माइनस X1 कॉमा Y2 माइनस Y1 कॉमा Z2 माइनस Z1। और आपने जो ये वेक्टर बनाया था इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो I का कोफिशियंट होता है उसका स्क्वायर
प्लस जे का कोफिशियंट होता है उसका स्क्वायर, प्लस के का कोफिशियंट होता है उसका स्क्वायर। दिस इज योर मैग्नीट्यूड। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें और ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमने स्केलर कंपोनेंट भी बता दिए और मैग्नीट्यूड भी बता दिया, पर सबसे पहला काम आपको वेक्टर बनाने का करना है। ना क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री को ध्यान से देखिएगा। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन The girl's displacement from her initial point of departure. Now, what is displacement? ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है 9th क्लास में कि displacement क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप अगर आप यहां पर भी अभी आप देखेंगे, एक ये ओरिजिन पॉइंट है इसका जहां से ये जा रही है गर्ल। तो अगर आपको कुछ भी गिवन नहीं है तो आप ओरिजिन से ही उसकी डायरेक्शन लेंगे। तो मान लीजिए ये गर्ल जो थी ये वेस्ट की तरफ गई, जैसा कि उसने कहा है, और आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज योर साउथ। तो ये वेस्ट की तरफ गई और कितने किलोमीटर गई? 4 किलोमीटर गई। अब हम यहाँ पे 4 किलोमीटर फेक ही दिखा सकते हैं क्योंकि किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग इसे स्केल पर दिखा रहे हैं। 4 किलोमीटर ये वेस्ट की तरफ गई। अब जहां पर ये वेस्ट में है वहां इसकी डायरेक्शन, यहां पहुंचकर अब इसकी डायरेक्शन फिर से डिटरमाइन करी जाएंगी। यानी यहां से आप नॉर्थ ईस्ट नहीं देखेंगे, जो ईस्ट नॉर्थ आपको गिवन है वो यहां पर जहां पहुंच गई है यहां पर पहुंच के फिर से उसके लिए डायरेक्शन है। अब वो यहां नहीं है ना, जब यहां थी इस पॉइंट पर थी तब उसके लिए नॉर्थ ये था, वेस्ट ये था, ईस्ट ये था और साउथ ये था। अब जब वो आपके पास 4 किलोमीटर आगे जा चुकी है वेस्ट की तरफ, अब यहां पहुंचकर उसके पास फिर से डायरेक्शंस आ गई हैं। दिस इज योर नॉर्थ साउथ एंड दैट इज वेस्ट एंड ईस्ट, राइट। ये ओरिजिन से स्टार्ट किया था 4 किलोमीटर। अब उसने कहा 3 किलोमीटर अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ आप नॉर्थ से, इसे आप उल्टा पढ़िया पढ़े करें हमेशा, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो है झुकाव लीजिए। और ये एंगल कितने डिग्री का बनाना है आपने? 30 डिग्री। तो ये यहां से यहां पर इस पॉइंट तक, क्यू पॉइंट तक 3 किलोमीटर आई, राइट। ये ओ पॉइंट से पी पॉइंट पर आई, फिर पी से क्यू पॉइंट पर गई और क्यू पर ये स्टॉप हो गई। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी हम ऐसा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हैं जिससे वो डायरेक्टली ओ से बी क्यू पर पहुंच जाती। तो बेसिकली आपको इसका लेंथ निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था कि रादर देन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी, पी टू क्यू, अगर वो ओ से क्यू जाए तो वॉट वुड बी द लेंथ। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे कि अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल में भी देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक ए से बी की तरफ आप गए, फिर बी से सी की तरफ आप गए, तो बेस्ट है कि हम ए से सीधा सी की तरफ चले जाएं। तो दिस ए सी इज द डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। तो देखिए इस गर्ल ने क्या किया, ये आपके पास एक कार्टिजन प्लेन है, हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं उसको, ओरिजिन से वेस्ट की तरफ पर 4 किलोमीटर गई, फिर वहां पर उसकी डायरेक्शन फिर से ओपन हो गई, दैट इज नॉर्थ, दैट इज ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। यहां पर उसने नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ऐसे आप उल्टे तरीके से देखेंगे इसको, नॉर्थ ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाया, दैट इज 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये कितना गई? 3 किलोमीटर। तो दिस इज योर 3 किलोमीटर। इफ दिस इज 30, दैट होल इज 90, दिस वन इज योर 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें ओ क्यू निकालना है। ये ओ से पी की तरफ गई थी, पी से क्यू की तरफ गई थी, हमें निकालना है कि अगर ओ क्यू होता, डिस्प्लेसमेंट होता, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता तो ओ क्यू पहले वेक्टर निकालना पड़ेगा, वेक्टर निकालने के बाद ही आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो देखिए ट्राइंगल की आपने थ्योरम पढ़ी है, ट्राइंगल क्या कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, अगर ट्राइंगल है आपके पास। तो अगर आपको ओ क्यू वेक्टर निकालना है तो पहले आपको ओ पी वेक्टर निकालना पड़ेगा, देन पी क्यू वेक्टर निकालना पड़ेगा, और दोनों के सम से आपके पास ओ क्यू वेक्टर आ जाएगा। और एक बार अगर ओ क्यू वेक्टर आपके पास आ गया, उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होती है आपके पास, लेंथ, किसी भी वेक्टर की लेंथ को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये ट्राइंगल अलग से ले लिया आपके पास, दैट इज क्यू पी ओ, ये पूरा का पूरा आपके पास 4 किलोमीटर दे रखा है। दिस वन इज योर 60, क्योंकि यहां 30 था, दैट होल इज 90, तो ये आपके पास 60 हो गया, दैट इज 3 किलोमीटर। नाउ अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, सिर्फ इतना सा ट्राइंगल ले लीजिए, और आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनका इस्तेमाल कर हम इसमें से पी एम, दैट पॉइंट इज, दैट इट बी पी एम, दैट इज पी एम, एम इज पॉइंट, तो पी एम और क्यू एम हम लोगों ने निकाल लेना है इसमें से। तो देखिए अगर आप ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये ट्राइंगल हम लोगों ने लिया सिर्फ क्यू पी एंड एम, दिस इज योर 90 डिग्री एंड दिस इज योर 60 डिग्री, दिस इज गिवन 3 किलोमीटर। तो आप लोगों ने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, राइट। तो इसमें क्या है आपके पास, साइन थीटा,
दिस इज फॉर साइन थीटा, दिस इज फॉर कॉस थीटा एंड दिस इज फॉर टेन थीटा। और भी बहुत तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो भी तरीका आपको याद है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास अगर साइन थीटा की बात करी जाए तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। तो वही हम लोगों ने लिया है इन ट्राइंगल पी एम क्यू साइन थीटा। नाउ थीटा इज दैट एक्यूट एंगल, तो साइन 60 डिग्री इज पी अपॉन एच एंड कॉस 60 डिग्री इज बी अपॉन एच। नाउ साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, और परपेंडिकुलर क्या होगा, जो ये एक्यूट एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, दिस इज योर बेस एंड दिस इज नो डाउट हाइपोटन्यूज ऑलवेज। ओके, अगर ये एंगल आपके पास यहां होता तो ये वाली चीज आपकी परपेंडिकुलर होती, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटन्यूज। तो वैसे हमें ओक्यू निकालना है, लेकिन ओक्यू निकाला तभी जा सकता है जब आपके पास ओपी वेक्टर हो और पीक्यू वेक्टर हो। ओपी वेक्टर तो बन जाएगा कैसे, ये देखिए ये पॉइंट है 0,0 और ये पॉइंट है 4,0, तो दो पॉइंट्स की मदद से आप पोजिशन वैक्टर निकाल सकते हैं, तो ओपी वैक्टर मिल जाएगा। बात आई पीक्यू वैक्टर की, तो पी पॉइंट तो है, अगर आप क्यू पॉइंट भी निकाल लें, क्यू के कॉर्डिनेट भी निकाल लें, तो पीक्यू वैक्टर भी मिल जाएगा आपको, और ओपी वैक्टर और पीक्यू वेक्टर को जोड़कर आपके पास ओक्यू वेक्टर आ जाएगा, जिससे आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं ताकि हमें इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाए। तो हम लोगों ने पीएम और क्यूएम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से निकाला। साइन 60 डिग्री इज पी अपॉन एच। नाउ साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, पी इज 3 किलोमीटर, परपेंडिकुलर इज क्यू एम एंड हाइपोटेन्यूज इज योर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्यू एम की वैल्यू आ गई 3√3/2, एंड कॉस 60 डिग्री इज बी अपॉन एच, बी बेस कितना है आपके पास पी एम अपॉन पी क्यू, पी एम अपॉन पी क्यू, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो इससे पी एम की वैल्यू आपके पास आ गई 3/2, क्यू एम की वैल्यू भी आ गई आपके पास, पी एम की वैल्यू भी आ गई। अब देखिए अगर आपने इस पॉइंट के पोजिशंस निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये x एक्सिस से कितना दूर है और ये y एक्सिस कितना है इसमें, तो qm तो क्लियर है, qm तो आपके पास ये आ गया, तो ये तो ठीक है 3√3/2, लेकिन आप ये जो pm आया है इसे यहां नहीं डिनोट कर सकते हैं क्योंकि पॉइंट हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना था आपके पास 4, और pm की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/2, तो अगर आपको om निकालना है तो 4 में से 3/2 आपको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 5/2, यानी ओ एम कितना है 5/2, मतलब यहां पर आपकी वैल्यू है 2.5 एंड दैट इज योर 3√3/2, तो ये जो पॉइंट हुआ आपके पास ये क्या हुआ 2.5 3√3/2, तो इसी वजह से आपका कोऑर्डिनेट आ गया क्यू कोऑर्डिनेट। बस अब आपका काम आसान है, अब आप सबसे पहले ओपी वेक्टर बनाएंगे, ओपी वेक्टर के दो पॉइंट्स हैं 0,0 और 4,0, तो अगर आप ओपी वेक्टर बना रहे हैं तो पी में से ओ की वैल्यूज माइनस करेंगे यानी ओरिजिन की, तो 4-0 आपके पास 0-4 भी कर सकते हैं, 4-0 भी कर सकते हैं, दैट इज -4j। अगर एक बात आपने ध्यान देनी है, अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हैं तो आपके पास साइन नेगेटिव हो जाएंगे। वैसे तो आप क्या कर रहे हैं 4-0 दैट वुड बी योर 4i वेक्टर, लेकिन क्योंकि आप नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इफ इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपके पास ये पॉजिटिव होता, यानी ये 4i लिखा जाता, बट क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक तरीके से बैक गियर में जा रहा है, इसी वजह से यहां पर -4i आपके पास लिया गया है। या आप ये कह सकते हैं ओपी वैक्टर निकाल जरूर रहे हैं तो पी में से ओ को माइनस करना चाहिए था, लेकिन जब आपका नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आप बेसिकली ओ में से पी को माइनस करेंगे, तो दिस इज योर -4i, जीरो का कोई साइन नहीं होता, 0j+0 के, दिस इज योर ओपी वैक्टर। नाउ पीक्यू वेक्टर अगर हम निकालेंगे, ये अब पॉजिटिव डायरेक्शन में है आपके पास, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसमें कोई टेंशन नहीं आपके पास। तो आप पीक्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे, क्यू में से पी की वैल्यूज जो हैं वो माइनस करते जाएंगे, तो पी पॉइंट आपके पास 4,0 और क्यू पॉइंट इज दिस, तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस इज बेसिकली 4,0,0 एंड दिस इज 5/2, 3/2,0 एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो दिस माइनस दिस ये आपके पास एक्स आ गया, दिस माइनस दिस दिस इज योर वाई एंड दिस माइनस दिस दिस इज योर जेड, राइट, दिस इज योर पी क्यू वैक्टर। ना ओपी वैक्टर इज देयर, पी क्यू वैक्टर इज देयर, अगर आप इन दोनों वैक्टर्स को प्लस करेंगे यू गेट ओ क्यू वैक्टर, तो आपके पास ओ क्यू वैक्टर आ गया। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी इस क्वेश्चन में। आई होप इट्स क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए वैक्टर इक्वल टू बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, देन इज इट ट्रू दैट की वैक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो वैक्टर बी प्लस वैक्टर सी के इक्वल होगा, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसे दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो हम एग्जाम्पल लेके इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों के पास एक ट्राइंगल थ्योरम है जो कि ये कहती है कि जो ए वैक्टर है
वो इक्वल हो सकता है बी वेक्टर और सी वेक्टर के अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल थ्योरम, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो वो ट्राइंगल ही नहीं होगा। यस, जो आपने वेक्टर में थ्योरम पढ़ी है उसमें यही कहा गया है, दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड के क्या कहते हैं, जो वेक्टर है सॉरी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू नेक्स्ट थर्ड वेक्टर के इक्वल। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि लेंथ, दो लेंथ तीसरी लेंथ के इक्वल हो जाए, क्योंकि दिस इज योर मैग्नीट्यूड बेसिकली, अगर लेंथ इक्वल हो गई तो वो किसी भी कीमत पर ट्राइंगल नहीं हो सकता, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर ऐसा हुआ कि ये 5 है और ये 3 है और ये 8 है, तो दिस इज नॉट ट्राइंगल, दिस इज 100% अ लाइन। लाइन में ऐसा होता है, तो इसका मतलब अगर ट्राइंगल थ्योरम में ये चीज लग रही है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ऐसा हो, मैग्नीट्यूड भी उनके इक्वल हो, तो इसीलिए भी आप इसे कॉन्ट्राडिक्टी मान सकते हैं। या अदरवाइज आप एक एग्जाम्पल लीजिए, आप लोगों ने बी वैक्टर लिया 3i 5j + 2k और एक सी वैक्टर लिया 2i - 3j और 2k और दोनों को प्लस करके आपने एक वैक्टर निकाला, दैट इज योर ए वैक्टर, दैट इज 5i + 2j + 4k। अब देखिए यहां पर क्या है कि बी प्लस सी जो है वो ए वेक्टर के इक्वल है। आप इनका इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए। अब जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं आ रहा इक्वल, तो क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं। तो अगर एक बार भी आपका फॉल्स है तो दैट इज योर फॉल्स। तो आप इसे ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं और ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल होता है उसमें ये चीज तो एग्री करती है कि जो वैक्टर होता है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इक्वल टू सी वैक्टर, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड का जो सम होता है दो साइड का, तीसरी साइड के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने पर वो ट्राइंगल नहीं बनेगा, वो तीन पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, यानी एक ही लाइन पर जब तीन पॉइंट होते हैं तो ये बात सही रहती है कि दो लेंथ का सम तीसरी लेंथ के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स विद इन ब्रैकेट i + j + k इज अ यूनिट वेक्टर। तो गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है। तो आप इसे वेक्टर को अगर देखेंगे तो xi + yz zk में कोई भी वेक्टर होता है आपका, कोई भी वेक्टर फॉर्म होती है। नाउ हियर इज बेसिकली xi, xj और xk कैप, दिस इज योर वेक्टर। नाउ अगर आपके पास ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपके पास, 1। नाउ व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज बेसिकली x² + y² + z² का स्क्वायर रूट होता है मैग्नीट्यूड। नाउ हियर इज मैग्नीट्यूड 1, दैट मींस x² + x², क्योंकि y के प्लेस पे भी x है और z के प्लेस पे भी x है, तो x² + x² + x² का स्क्वायर रूट अगर आप निकालेंगे दैट इज 3x², ये प्लस माइनस में आपके पास बाहर आएगा x। नाउ x की वैल्यू ±1/√3। अगर आपको ये वेक्टर निकालना है तो आप यहां वैल्यूज भी रख सकते हैं। फिलहाल आपसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछी गई थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी जिसकी जो लेंथ है वो 5 यूनिट होनी चाहिए, एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। रिजल्टेंट मींस यहां पर प्लस आपने करना है, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट से, यानी प्लस से जो वेक्टर बनेगा उसका पैरेलल वेक्टर निकालना है। पैरेलल वेक्टर मतलब वही वेक्टर होता है जो आपने प्लस करके निकाला है, जो भी वेक्टर आपने निकाला है उसका पैरेलल वेक्टर वही है। तो आप इन दोनों के रिजल्टेंट से एक वेक्टर निकालेंगे जिसे हम सी वेक्टर का नाम दे रहे हैं। तो हमने ए और बी वेक्टर को प्लस कर दिया, दैट इज बिकम 3i + j माइनस और प्लस की वजह से 0k हो गया आपके पास 0k, दिस इज योर सी वेक्टर। आपके पास जो ये वेक्टर आया है पहले आपने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर आपको 5 यूनिट्स चाहिए तो पहले 1 यूनिट का आंसर आना चाहिए, यानी आपको यूनिट वेक्टर आना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर हम ये जानना चाहते हैं 5 शर्ट्स कितने की आती हैं तो पहले 1 शर्ट का प्राइस आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको 5 यूनिट मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी आपका आंसर 5 आना चाहिए, तो आप पहले इस वेक्टर को इस तरीके से कन्वर्ट करिए ताकि इसका आंसर 1 आए, फिर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर 5 बन जाएगा। तो पहले यूनिट वेक्टर में बदलते हैं, तो आपके पास ये वेक्टर आया जो कि इनके रिजल्टेंट से बना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इक्वल टू दैट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये वेक्टर आपको गिवन था, इसका मैग्नीट्यूड तो 3 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 9 और 1 का स्क्वायर, दिस इज योर मैग्नीट्यूड, ये आपके पास वेक्टर आ गया। अगर आप इसे चेक करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। चेक करें, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं दैट इज 9/10, और अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं दैट इज 1/10, दैट इज 10/10, योर आंसर इज 1। तो ये आपके पास पहले वेक्टर जो गिवन था वो यूनिट वेक्टर था नहीं। देखिए जो आपके पास 3i + j आया था, दिस इज नॉट यूनिट वेक्टर, बट आपने सबसे पहले इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करा। यानी हम किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदल सकते हैं विद दैट फॉर्मूला, कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, यानी जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 1 आ रहा है। वी वांट कि मैग्नीट्यूड कितना आए, 5,
तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, हम इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसीलिए आपने इस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ आपके पास ये चीज आ गई, इसे रैशनलाइज कर दीजिएगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे स्टूडेंट, तो 100% ये 5 आएगा आपके पास। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर आपको गिवन है आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर आपको गिवन है 2i माइनस जे प्लस 3k। सी वेक्टर आपको गिवन है आई माइनस 2j प्लस के। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर। तो अगर इसी वेक्टर के पैरेलल निकालना है तो बेसिकली आपने यही वाला वेक्टर निकालना है, लेकिन उसने ये बोला है कि इसकी मदद से जो वेक्टर आपके पास आएगा वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो इसका मतलब पहले हम इस सारी सॉल्व करके, इसे सारा सॉल्यूशन निकालकर इसे एक वेक्टर निकालेंगे। वी एज्यूम कि वो डी वेक्टर निकल कर आएगा या ई वेक्टर निकल कर आएगा, और फिर उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि गिवन वेक्टर हो भी सकता है यूनिट वेक्टर हो और हो भी सकता है ना हो। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता हो। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास ए वेक्टर गिवन है, तो हमें इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज 2a वेक्टर आपके पास ये आ गया। फिर हम लोगों ने बी वेक्टर लिख लिया, सी को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर, दैट इज योर 3c वेक्टर। नाउ आपको क्या करना है, एक डी वेक्टर निकालना है जो 2a माइनस बी प्लस 3c की मदद से निकलेगा। तो दिस माइनस दिस प्लस दिस, दिस माइनस दिस प्लस दिस, रिजल्टेंट इज 3i माइनस 3j प्लस 2k कैप। ये आपके पास एक वेक्टर आ गया। इसने कहा था इसी के रिजल्टेंट से जो वेक्टर निकल रहा है उसका पैरेलल वेक्टर निकालो, तो दिस इज योर वेक्टर जो आपको निकालना था, लेकिन इसका भी आपको यूनिट वेक्टर चाहिए। तो आप यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट वेक्टर में। फिलहाल ये यूनिट वेक्टर नहीं है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर आपके पास 4, तो देखिए किसी भी कीमत पर आपके पास 1 नहीं आ रहा। अब देखिए यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट होते ही ये इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, यानी आप इसके कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपने वेक्टर लिखा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है आपके पास 22, दैट इज रूट 9 प्लस 9 प्लस 4, दैट इज 22। तो आप देखिए आप इस पूरे वेक्टर को जो है पूरे वेक्टर को रूट 22 से डिवाइड कर दीजिए। नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये वेक्टर आपके सामने आ गया। आप इसका एक बार मैग्नीट्यूड चेक करके देख लीजिए, ये 1 आएगा। नाउ इसका स्क्वायर कीजिए 9 अपॉन 22, इसका स्क्वायर कीजिए 9 अपॉन 22, दैट इज 4 अपॉन 22। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, दैट इज 22 अपॉन 22, आंसर इज 1। यानी आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर मींस ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसकी लेंथ जो है वो 1 आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शो दैट पॉइंट दिस 1 माइनस 2 माइनस 8 बी 5 0 माइनस 2 एंड 11 3 7 आर कोलिनियर। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलिनियर, यानी इनका मैग्नीट्यूड। अभी हमने एक लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था जिसमें जस्टिफाई करना था आपको, अगर आपको कोलिनियर प्रूफ करना है तो लेट इट बी ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास। सबसे पहले ये पॉइंट्स के वेक्टर आपको गिवन है, यानी इसका वेक्टर गिवन है, इसका वेक्टर गिवन है, इसका वेक्टर गिवन है। पहले आपको ए बी वेक्टर बनाना पड़ेगा, बी सी वेक्टर बनाना पड़ेगा और ए सी वेक्टर बनाना पड़ेगा, और इन तीनों के मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे। तीनों के मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर कोई भी दो लेंथ सम करने पर तीसरी लेंथ के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब वो तीनों पॉइंट एक लाइन पर थे, ट्राइंगल नहीं है। क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएं तो इसका मतलब उस पर ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता। तो हमने क्या करना है, पहले ए बी सी जो है पॉइंट्स, इनकी मदद से ए बी बी सी और ए सी वेक्टर निकालना है, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर दो के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो ये लाइन, ये पॉइंट्स जो होंगे कोलिनियर होंगे। एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो बी जो है वो इन बिटवीन है कहीं ए सी के, और वो रेशियो आपको फाइंड आउट करनी है जिसमें आपका सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ए वेक्टर यानी पॉइंट वेक्टर निकाला, दैट इज आई माइनस 2j माइनस 8k। या आप दोनों पॉइंट्स की मदद से भी सीधा ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। आप ऐसे पॉइंट को भी वेक्टर दे सकते हैं, नहीं तो आप ए बी वेक्टर डायरेक्ट निकाल लीजिए। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी में से ए के पॉइंट्स माइनस करके, यानी 5 माइनस 1 4j, 0 माइनस 2 दैट इज 2j, माइनस 2 माइनस और ये प्लस 8 हो जाएगा आपके पास 6k। तो आपने ए बी वैक्टर निकाला, फिर आपने ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला। नाउ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो आपके आई जे के कोफिशियंट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज 16 प्लस 4 प्लस 36, यानी ए बी मैग्नीट्यूड, यानी ए बी की लेंथ कितनी आ गई आपके पास 2√14। सिमिलरली हम लोग बी सी वैक्टर निकालेंगे, तो जब हम बी सी वैक्टर निकालेंगे तो सी में से ए के पॉइंट्स माइनस करेंगे। वेन वी फाइंड बी सी वैक्टर, सी में से ए के, सी में से बी के पॉइंट माइनस करेंगे, 11 माइनस 5 6j, 3 माइनस 0 सॉरी 11 माइनस 5 6i, 3 माइनस 0 दैट इज 3j एंड 7 ये प्लस 2 हो जाएगा आपके पास 9k। सिमिलरली हम लोग जब ए सी वैक्टर निकालेंगे तो सी में से ए के पॉइंट्स माइनस करेंगे, 11 माइनस 1 दैट इज 10i,
थ्री, ये प्लस टू हो जाएगा आपके पास 5J, 7 + 8 दैट इज 15K। तो इस तरीके से हम लोगों ने BC वेक्टर भी निकाला और फिर BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, दैट इज 36 + 9 + 81 एंड योर आंसर इज 3√14। आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे और प्राइम फैक्टराइज करने के बाद ग्रुपिंग करेंगे दो के बदले में, आपका रूट से एक बाहर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके जो फैक्टर हो रहे हैं वो 3 × 3 × 14 हो रहा था, ग्रुपिंग की वजह से 3 जो था वो बाहर आ गया, दैट इज वाई दिस इज 3√14। ना उसी तरीके से हम लोगों ने CA वैक्टर निकाला, आप AC वेक्टर भी निकाल सकते थे, तो हम लोगों ने CA वेक्टर निकाला, तो CA वेक्टर आपके पास ये आ गया। अगर आप AC वेक्टर निकालते तो C में से A माइनस करते, अगर आप AC वेक्टर निकालते तो C में से A माइनस करते, आपने CA वेक्टर निकाला तो A पॉइंट्स में से C के पॉइंट्स माइनस करते जाएंगे और आपको कॉरस्पॉन्डिंगली IJK के कोफिशियंट्स मिल जाएंगे। नो अपने CA का जो है मैग्नीट्यूड निकाला, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप BC वेक्टर और AB वेक्टर को सम करते हैं, उनका मैग्नीट्यूड का सम करते हैं, लेंथ का, नॉट वेक्टर, लेंथ का अगर सम करते हैं तो तीसरी लेंथ के इक्वल आ रहा है, वो आपके पास 2√14 है, दैट इज 3√14, दैट इज इक्वल टू 5√14, एज मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ AB प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC जो है वो CA मैग्नीट्यूड के इक्वल है, देयरफॉर दीज थ्री पोजिशन वैक्टर्स आर कोलीनियर। नाउ क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, उसने आपको कहा कि B जो है वो AC को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो निकाल दीजिए। तो वैसे रेशो आपकी M रेशो N होती है, लेकिन आप जब भी आपके पास रेशो ना गिवन हो तो ये बेस्ट रहेगा कि आप उसे K√1 लेट कर लीजिए, ठीक है ना। करने को आप M√N से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट यही है बेस्ट रहेगा कि अगर आप उसे K√1 ले लेते हैं तो ये रहेगा कि हमारे पास एक ही वेरिएबल मिसिंग होगा तो आसानी से निकल कर आ जाएगा, और अगर M और N होंगे तो दो वेरिएबल मिसिंग होंगे तो हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, इज इट ओके। तो आप देखिए हमारे पास A वैक्टर भी है, बी सी, तीनों वेक्टर्स आपके पास गिवन है। कैसे? आपके पास ये पॉइंट्स गिवन थे, इन्हीं पॉइंट्स में IJK लगा दीजिए तो आपको पॉइंट के वेक्टर मिल जाते हैं, दिस इज योर पॉइंट वेक्टर। तो दिस इज आई -2J -8K, 5I, 0I, 0J -2K, 11I, 3J, 7K, ये आपके पास तीनों वेक्टर्स आ गए। आपको रेशियो निकालनी है कि बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बेसिकली बी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, एम इंटू दिस वैक्टर, बेसिकली सी वैक्टर M इंटू बी वैक्टर, ये सेकेंड वन वैक्टर, प्लस N इंटू ए वैक्टर, बेसिकली दिस अपॉन M प्लस N, दिस इज योर M। नाउ B वैक्टर ऑलरेडी है आपके पास, यहां पर आप ये कह सकते हो कि M इंटू दिस प्लस N इंटू दिस अपॉन में M प्लस N, और ये आपके पास आंसर आएगा। तो दिस इज 5I -2J M इंटू M की वैल्यू कितनी है K, B वैक्टर आपके पास दिस वन प्लस N की वैल्यू आपके पास वन एंड A वैक्टर आपके पास दिस वन अपॉन M प्लस N यानी K प्लस वन। के से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ वन सेम रहेगा ये एज इट इज, के से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए ये आपका के से अंदर मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 11KI 3KJ प्लस 7K कैप, और ये आपके पास पहले से ही था, अपॉन में आपके पास के प्लस वन चल रहा है, इक्वल टू में 5I -2K। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको इकट्ठा कर लीजिए, देखिए इसमें से आपने आई कॉमन लिया एंड दैट इज 11K प्लस वन, अगर हम इन दोनों में आई कॉमन ले लें तो 11K प्लस वन, इन दोनों में से आप JK कॉमन ले लीजिए तो ये कितना आ गया 3K -2, इन दोनों में से आप K कैप कॉमन ले लीजिए तो ये आ गया 7K -8K, होल अपॉन में K प्लस वन चल रहा है, इक्वल टू में आपके पास 5I -2K चल रहा है। नाउ दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये हम लोगों ने अपॉन अपॉन कर दिया अलग अलग, इक्वल टू दिस। नाउ अगर आपको दो वैक्टर्स इक्वल गिवन है कि ये वैक्टर इस वैक्टर के इक्वल है, ऐसा तभी हो सकता है जब इसके आई का कोफिशियंट और इसके आई का कोफिशियंट 100% सेम हो, अदरवाइज दो वैक्टर इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि दो वैक्टर इक्वल तभी होते हैं जब वो लेंथ में भी इक्वल हो और डायरेक्शन में भी सेम हो, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग टू वैक्टर दैट शुड बी इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपके पास के की वैल्यू आ गई 2/3, तो रेशो क्या थी आपके पास K√1, K√1 मतलब 2/3/1, बेसिकली 2√3 इज योर रेशो। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वैक्टर आर दिस एंड दिस एक्सटर्नली इन द रेशो, वो उसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली 1:2। Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. तो देखिए P और Q आपके पास पॉइंट है, R उसे एक्सटर्नली किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। स्टूडेंट को लगता है कि डिवाइड हमेशा मिड में से ही होता है, डिवाइड का मतलब है कोई भी रेशियो बनाना, तो पी आर और क्यू आर भी तो आपस में एक रेशियो बना रहे हैं, तो वो रेशियो आपको गिवन है एक्सटर्नली के केस में, ठीक है। तो आपके पास इसीलिए आर एक्सटर्नली कुछ इस तरीके से प्लॉट किया जाता है। नाउ रेशियो कितनी गिवन है, एम रेशियो वन आपको 1:2 गिवन है, एक्सटर्नली वर्ड गिवन होने की वजह से सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि सेक्शन फॉर्मुला में यहां पर माइनस आ जाता है। तो अगर आपको
आर वेक्टर फाइंड करना है, तो दैट इज बेसिकली एम बी वेक्टर यानी सेकंड वेक्टर माइनस एन इनटू ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। तो रेशो आपको गिवन है, तो ये एम आपको गिवन है वन एंड बी वेक्टर इज दिस वन जो आपका सेकंड वन वेक्टर होता है माइनस एन और ए वेक्टर आपके पास दिस वन अपॉन वन माइनस टू। तो इसे सॉल्व किया हम लोगों ने, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको अंदर, सॉल्व करके आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 3a plus 5b, this is your r vector. Now, आपको ये काम कहा गया था कि r वेक्टर निकालिए, वो हो गया आपके पास, और आपको कहा गया कि प्रूव करिए कि p जो है वो r q का मिड पॉइंट है, यानी p कहीं इन बिटवीन है। अभी जो r है वो यहां पर भी एक्सटर्नली डिवाइड कर सकता था, यहां पर भी, कहीं पर भी हो सकता है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि r इधर ही है या इधर है, कहीं पर भी हो सकता है, बट वो एक्सटर्नली है, पी और क्यू के एक्सटर्नल पार्ट में है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने आर यहां लिया एंड क्यू यहां लिया, हमें प्रूव करना है पी एक मिड पॉइंट। अब आपके पास तीनों वेक्टर हैं, आर आप अभी भी निकाल चुके हैं, पी आपके पास पहले था, क्यू आपके पास पहले था, रेशो यहां गिवन नहीं है, तो रेशो अगर गिवन नहीं है तो लेट कर लीजिए के रेशो वन। नाउ पी वेक्टर कैसे निकलेगा, पी वेक्टर निकलेगा एम इंटू क्यू वेक्टर प्लस एन, क्योंकि एक्सटर्नली नहीं है ना, ये अंदर है आपका, तो एम इंटू क्यू वेक्टर प्लस एन इंटू आर वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये पी वैक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, इसे आप सब्सिट्यूट कर दीजिए, एम की जगह पर आपके पास के आ गया, क्यू वैक्टर आपको गिवन है उसे सब्सिट्यूट कर दीजिए, एन आपको गिवन है वन, और आर वैक्टर की जगह पर आर वैक्टर रख दीजिए अपॉन में के प्लस वन, इसे अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, देन क्या कीजिए इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, यहां से आप ए वैक्टर कॉमन ले सकते हैं दैट इज बिकम के प्लस थ्री, यहां से आप बी वैक्टर कॉमन ले सकते हैं दैट इज बिकम माइनस थ्री के प्लस फाइव, राइट। इन दोनों में से आपने बी वैक्टर कॉमन लिया माइनस थ्री के प्लस फाइव, अपॉन में के प्लस वन चल रहा है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस कर दीजिए, देखिए दिस अपॉन दिस कर दिया। अगर ये दोनों इक्वल चल रहे हैं तो ऐसा तभी हो सकता है जब ए का जो वेक्टर का कोफिशियंट है इस ए वेक्टर के कोफिशियंट के इक्वल हो, अदरवाइज ऐसा इक्वल नहीं हो सकता। तो दैट मींस ऑन कंपेयरिंग दैट शुड बी इक्वल टू टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू निकाली तो के आपके पास वन आ गया, के रेशो वन चल रहा था दैट इज बिकम वन रेशो वन, और वन रेशो वन का मतलब ये हुआ कि जो पी था वो आर क्यू का मिड पॉइंट था, आर क्यू या क्यू आर, दैट कैन बी आर क्यू दैट कैन बी क्यू आर, वन ऑफ द सेम थिंग, आपके पास ये मिड पॉइंट था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट मतलब एक के बाद एक, जो एक साथ होती है एकदम, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 2i माइनस 4j प्लस 5k एंड i माइनस 2j माइनस 3k, फाइंड द यूनिट वैक्टर पैरेलल टू इट्स डायगनल, यानी आपने पहले डायगनल वैक्टर निकालना है फिर उसे यूनिट वैक्टर में कन्वर्ट करना है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, यानी आपको पैरेललोग्राम का एरिया भी निकालना है। तो आप एक पैरेललोग्राम बना लेंगे रफ फिगर ए बी सी डी और उसकी दो एडजेसेंट साइड ले लीजिए, कोई भी दो एडजेसेंट साइड आप ले सकते हैं, हम लोगों ने ये दो एडजेसेंट साइड लिया, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने दो एडजेसेंट साइड के वैक्टर ले लिए, ए बी वैक्टर आपको ले लिया और बी सी वैक्टर ले लिया, इसने आपसे किसका मांगा है डायगनल का वैक्टर मांगा है, इन्हीं दोनों के डायगनल का। तो अगर आपके पास ध्यान से देखेंगे तो ये एबीसी एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल थ्योरम क्या कहती है, एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इक्वल टू माइनस सीए वेक्टर, राइट, या फिर एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर इक्वल टू एसी वेक्टर, या फिर इनडायरेक्ट वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर प्लस सीए वेक्टर, यानी अगर आपका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम होता है तो दैट इज बिकम जीरो वेक्टर। तो एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर प्लस सीए वेक्टर दैट इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसी से ये आपने इन्फॉर्मेशन निकाली है कि एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर जो है वो माइनस सीए के इक्वल होता है, माइनस सीए, और अगर आप इनकी डायरेक्शंस बदल देंगे यानी सीए से एसी कर देंगे तो ये माइनस जो है वो गायब हो जाएगा। तो ये आपके पास ट्रायंगल थ्योरम है, तो उसी की मदद से हम एसी वेक्टर निकालने वाले हैं। तो एसी वेक्टर कैसे निकल जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। तो आप लोगों ने ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर करके एसी वैक्टर निकाल लिया। अब आपको एसी वैक्टर को किसमें कन्वर्ट करना है, यूनिट वैक्टर में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, एसी वैक्टर का अगर यूनिट वैक्टर आपको चाहिए तो एसी वैक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे आप लोग, डिवाइड कर देंगे। तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, एसी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा आपके पास, दैट इज 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, या आपके पास 49 आ जाएगा, दैट मीन 7, रूट 49 इज 7, तो आप इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास वो जो वेक्टर बनकर आएगा वो यूनिट वेक्टर होगा। आपसे पैरेललोग्राम का एरिया भी मांगा गया था, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है दो एडजेसेंट साइड के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, राइट। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास एक नंबर नहीं आता, यानी स्केलर नंबर नहीं आता, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी आती है, और एरिया वेक्टर नहीं हो सकता, एरिया हमेशा एक नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए आपने दो यानी लेंथ इनटू ब्रेथ ही है बेसिकली, तो लेंथ इनटू ब्रेथ किया और उसके बाद आपने उसे मैग्नीट्यूड कर दिया। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं,
आई जे के, डिटर्मिनेंट के अंदर आई जे के, ए बी के कोफिशियंट्स लिखेंगे हम लोग। ए बी के कोफिशियंट्स क्या है, 2 माइनस 4, पहले आप बी सी के भी लिख सकते हैं, कोई ऐसे वो नहीं है, तो 2 माइनस 4 माइनस 5 और 1 माइनस 2 माइनस 3, इसके ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, हेयर इज प्लस माइनस प्लस, आई लिखा आप लोगों ने, देन -10 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास -12, ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में होता है। नाउ यहां पर माइनस पहले से ही होता है, माइनस जे, अब आप इसे हटा दीजिए, दैट इज 5 प्लस 6, देन के, दैट इज -4 प्लस 4, तो ये आपके पास इसका वेक्टर आ गया। इस वेक्टर को आपने एज इट इज नहीं छोड़ना, क्योंकि एरिया नहीं हो सकता। आप क्या करेंगे, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड आप लोगों ने निकाला, ये वेक्टर आपके पास आया था, उसका मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया 11√5, यानी इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो आपके पास 11√5 है। नाउ वो जो एसी वेक्टर था उसको आपने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना था, तो एसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये यूनिट वेक्टर कन्वर्ट हो गया। नाउ शो दैट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड आर, आपके पास 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। डायरेक्शन कोसाइंस मींस एलएमएन, राइट। तो देखिए एलएमएन कैसे निकाले जाते हैं, इसने जब कहा इक्वली इंक्लाइंड, नाउ इक्वली इंक्लाइंड मतलब एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इस वेक्टर का वो इक्वल है। नाउ एंगल का मतलब थीटा, यानी थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, अल्फा इज द एंगल ऑफ विद वाई एक्सिस एंड बीटा इज द एंगल विद जेड एक्सिस। तो तीनों के साथ जो एंगल बन रहे थे वो इक्वल है। अगर थीटा अल्फा और बीटा इक्वल है तो कॉस थीटा कॉस अल्फा और कॉस बीटा इक्वल होंगे, और कॉस थीटा कॉस अल्फा और कॉस बीटा किसके इक्वल होते हैं, एलएमएन, यानी ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो एलएमएन आपके पास इक्वल हो गए। एलएमएन के बीच में एक रिलेशनशिप होती है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ अब आपको गिवन है ना कि एलएमएन इक्वल है, तो दैट इज एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ 3L स्क्वायर इक्वल टू 1, तो L की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 1/√3 आपके पास आ सकती है। दैट मींस क्योंकि यहां पर आपको प्लस में पूछा गया है, तो आप यही बताएंगे कि जो L की वैल्यू है 1/√3 है, M की वैल्यू भी 1/√3, क्योंकि LMN यहां पर पहले से ही आप एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि वो इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेट A आपके पास एक वेक्टर गिवन है, B आपके पास एक वेक्टर गिवन है, C आपके पास एक वेक्टर गिवन है, फाइंड द वेक्टर D व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। जब कोई वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। यानी जैसे उसने कहा डी वेक्टर जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू जीरो एंड बी डॉट डी वेक्टर इज ऑल्सो जीरो। एक और रिलेशन आपको गिवन है कि सी डॉट जी डी जब निकालेंगे तो वो आपके पास 15 आएगा। और आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, डी वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप ए वेक्टर लिख लीजिए, ए वेक्टर आपके पास आ गया आई प्लस 4j प्लस 2k, बी वैक्टर आपके पास आ गया 3i माइनस 2j प्लस 7k और सी वैक्टर आपके पास आ गया 2i माइनस j प्लस 4k। आपको डी वैक्टर फाइंड आउट करना है। इसने आपको कहा है डी वैक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वैक्टर और बी वैक्टर पर, इसका मतलब ए वैक्टर डॉट डी वैक्टर इक्वल टू जीरो एंड बी वैक्टर डॉट डी वैक्टर इक्वल टू जीरो। और डी वैक्टर को हम लोगों ने लेट कर लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। नाउ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, कोफिशियंट से कोफिशियंट स्केलर होता है आपके पास डॉट प्रोडक्ट। कॉस प्रोडक्ट में आई जे के होता है, दिस इज योर डॉट प्रोडक्ट। अभी हमने क्वेश्चन में पैरेललोग्राम में क्रॉस प्रोडक्ट सीखा है, नाउ दिस वन, अब हम कौन सा प्रोडक्ट सीख रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप ये डी वैक्टर है इसे ए वैक्टर के साथ डॉट करेंगे, तो 1 into x i i से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाता है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट का इसमें क्या है 1 हो जाएगा। तो 1 into x दैट इज x, 4 into y 4y एंड दैट इज 2 into z 2z, दैट इक्वल टू a डॉट d आपको कितना दे रखा था 0, दैट इज इक्वेशन 1। नाउ b डॉट d इक्वल टू 0, दैट मींस दिस इनटू दिस, तो 3 into x माइनस 2 into y प्लस 7 into z, दैट इज इक्वल टू 0। और b डॉट d दे रखा था आपको सी डॉट डी दे रखा है आपको 15, ये तो आपके पास हो गया सी डॉट डी। नाउ दिस इंटू दिस वन, 2 into x माइनस 1 into y प्लस 4z, दैट इक्वल टू 15। तो आपके पास ये तीन इक्वेशंस हैं और आपको निकालना है ये डी वेक्टर। आपके पास मिसिंग वैल्यूज कितनी है, 3 एक्स वाई जेड। आपके पास इक्वेशंस भी कितनी है, 3। अगर 3 मिसिंग वैल्यूज है, 3 इक्वेशन है, तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर 3 मिसिंग वैल्यूज हो और 2 इक्वेशंस हो तो डिफिकल्टी अराइज हो जाती है आपके पास। तो देखिए फिलहाल आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए इसमें डिटर्मिनेंट या मैट्रिसेस का तरीका भी इस्तेमाल करा जा सकता है, क्योंकि 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस आप लोगों ने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के चैप्टर में सॉल्व करनी सीखी हैं, लेकिन हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग क्या ट्रिक ले रहे हैं, हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को लेकर इसमें से x एलिमिनेट कर देंगे, तो y और z में आपके पास इक्वेशन रह जाएगी, फिर हम सेकेंड और थर्ड लेकर भी उसमें से x एलिमिनेट कर देंगे, देन अगेन y और z में आपके पास इक्वेशन रह जाएगी, फिर जो आपके पास
इन दोनों के रिजल्टेंट से वाई और जेड वाली इक्वेशन थी, और इन दोनों के रिजल्टेंट से वाई और जेड वाली इक्वेशन थी, उन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाकर वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। और एक बार वाई और जेड की वैल्यू आ गई, इन इक्वेशन में से किसी में भी रखकर आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। देखिए हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड ली है, इनमें एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहे हैं हम लोग, तो इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यहाँ वन है आपके पास, यहाँ थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपने इक्वेशन को वन से मल्टीप्लाई कर दिया। जो आपने मल्टीप्लाई करा, साइन चेंज कीजिए, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई 14y - z = 0। फिर आपने सेकंड और थर्ड में एलिमिनेशन मेथड लगाया, इसे टू से मल्टीप्लाई करके, इसे थ्री से मल्टीप्लाई करके, साइन चेंज करा, आपके पास इक्वेशन आ गई -y + 2z। दिस इज इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y और z, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन y z। इन दोनों को ना 4 और 5 को आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। यहां देखिए, यहां पर आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ इसे 14 से मल्टीप्लाई करा, 14y - 14y। तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आप एज इट इज इसे काट सकते हैं। तो आपने इसे काट दिया, जब आप किसके साइन चेंज नहीं करेंगे तो बाकी भी किसी डिजिट के आप साइन चेंज नहीं करेंगे। तो आपके पास यहां जेड की वैल्यू निकल कर आ रही है -630/27, जिसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज बिकम -70/3। तो आपके पास ये इक्वेशन गिवन थी वाई जेड वाली, उसमें आप जेड की वैल्यू डाल दीजिए, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू भी आपके पास आ गई, जेड की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो इक्वेशन वन जो आपके पास है, 2, 3, इसमें से किसी में भी आप रखकर किसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x, y, z तीनों की वैल्यू आ गई, तो आपके पास d वेक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज xi + yj - जेड के आपके पास, जो कि वैल्यूज आप वहां सब्सिट्यूट कर देंगे। ना क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वैक्टर ij + k विद द यूनिट वैक्टर अलोंग द सम, इनका सम, उस सम का क्या यूनिट वेक्टर। तो देखिए ऐसे पढ़ेंगे आप क्वेश्चन को, ये दो वेक्टर हैं, इनका आपने क्या निकालना है, सम निकालना है, फिर उस सम का क्या करना है आपने, यूनिट वेक्टर, फिर ये जो यूनिट वेक्टर निकल कर आएगा, ये सारा काम कर इसका इस वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कौन सा होता है, डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट कौन सा होता है आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपने ए और बी वेक्टर लिया और सी वेक्टर लिया, आपको क्या करना है बेसिकली, इस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, किसके साथ, जो इन दोनों के रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर होगा, यानी इन दोनों को पहले टोटल किया जाएगा, उससे जो वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाला जाएगा, उस वेक्टर का इसके साथ जो डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ वी अज्यूम कि दैट इज इक्वल टू डी वेक्टर, तो पहले ए और बी वेक्टर को टोटल करके हमने डी वेक्टर निकाला, तो दैट इज बिकम 2 λ i 6j - 2k। तो ये आपके पास एक डी वेक्टर आ गया, फिर हमने इसका यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करा, यूनिट वेक्टर कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दें तो वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए डी वेक्टर आपके पास ये गिवन है, नाउ यूनिट वेक्टर क्या हुआ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज बिकम 2 λ दिस, आपके पास होल अपॉन में क्या चल रहा है, 2 λ² + 40। ये जो डी वैक्टर था, इसका सी वैक्टर के साथ आपने डॉट प्रोडक्ट गिवन है आपको, कि डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है आपके पास, 1 आ रहा है आपको लैम्डा की वैल्यू निकालने, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, पहले आप दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए यहां हम लोगों ने अलग अलग कर लिया, उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो अलग अलग करने के बाद जब आप ये पूरी चीज को 1 के साथ इंटू करेंगे तो यही चीज आ जाएगी, प्लस दिस अपॉन दिस को जब आपने 1 से इंटू करा तो ये पूरी चीज आ जाएगी, दिस अपॉन दिस को जब आपने 1 के साथ इंटू करा तो ये आपके पास आई जे के गायब हो जाते हैं जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि आई आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होकर 1 हो जाता है, जे जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होकर 1 हो जाता है, के साथ डॉट प्रोडक्ट होकर 1 हो जाता है। ये टोटल आपको दे रखा है 1, इस पूरे का आपने एक एलसीएम ले लिया, क्योंकि अब आई जे के एकदम गायब है इसके अंदर से, डॉट प्रोडक्ट में वो आई जे के नहीं रहते हैं, तो यहां पर आपके पास जी आगे दैट इज 2 λ, दैट इज 6 - 2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ये वाली चीज आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 6 λ, क्योंकि -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। नाउ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद यहाँ a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, यहाँ पर भी a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए, आपके पास जो चीज कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल आउट कर आपको पता चल रहा है कि लैम्डा कितना आ रहा है आपके पास, 1। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ a, b, c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ये वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, और अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है, यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि a.b 0 है, b.c 0 है, और a.c 0 है, या c.a, जो भी आप लिखना चाहें, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता, a.c निकालिए या c.a निकालिए, ठीक है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, इक्वल मैग्नीट्यूड है इनका, यानी ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो सी और मैग्नीट्यूड लेंथ भी इनकी इक्वल है, हमें क्या शो करना है, ये जो वेक्टर है इज इक्वली इंक्लाइंड, यानी जो एंगल बना रहा है इसके साथ और इसके साथ, वो एंगल इक्वल है। दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है,
एक तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट वाला केस है और एक आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट वाला केस है, बिकॉज हमें डॉट की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट वाला केस लगाएंगे। डॉट का फॉर्मुला होता है कॉस थीटा इक्वल टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन में ए वैक्टर लैमडा बी वैक्टर, ये आपके पास फॉर्मुला होता है आपके पास। तो वही चीज है, आपने इस वैक्टर का एक बार इसके साथ एंगल निकालना है, इस वैक्टर के साथ इसके साथ एंगल निकालना है, इसके साथ, और तीनों एंगल इक्वल आने चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा निकाल रहे हैं और हमारा ए वेक्टर है ये और बी वेक्टर है ये यहां पर, क्योंकि हमें इसका इसके साथ एंगल चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट दिस, तो इस वेक्टर का डॉट इसके साथ अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड होल अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए ए डॉट ए, जब आप उसी वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये चीज आप चेक भी कर सकते हैं, किसी एक वेक्टर को लीजिए, लेट इट बी 2i +3j +5k, अगर आप इस वेक्टर को इसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके देखिए, डॉट प्रोडक्ट करके देखिए, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसी वेक्टर को इसके साथ, यानी 2 2 4 3 3 9 और 25, ये आपके पास आ रहा है, तो वो इसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। तो देखिए ये 4 + 9 + 25, अगर आप उसको स्क्वायर करेंगे तो भी यही बात है। तो किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करा जाता है तो वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। नाउ ए डॉट बी एंड ए डॉट सी अपॉन में आपके पास गिवन है, ए डॉट भी आपको पहले से गिवन है जीरो है, बी डॉट ए डॉट सी भी आपको गिवन है जीरो है, तो ये आपके पास रह गया, दैट इज मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा ए मैग्नीट्यूड अपॉन दिस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा जा सकता, इसे आप यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखते हैं कॉस, कॉस अल्फा देखिए, कॉस अल्फा आप लोगों ने निकाला तो कॉस अल्फा क्या है आपके पास, ये अब सेकंड के साथ आपने निकालना है तो अब आप लोगों ने इसके साथ निकाला, यानी कि अब आपके पास ए वेक्टर है या आपके पास बी वेक्टर है, तो इस वेक्टर डॉट इसका वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, राइट, ये चीज हमने सेम करी, इसे अंदर मल्टीप्लाई करा, तो अब बी वेक्टर को एक के साथ करेंगे, ये आपके पास पहले से जीरो है, इसको इसके साथ करेंगे तो ये बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो बी मैग्नीट्यूड डॉट सी बी मैग्नी बी डॉट सी वेक्टर अपॉन में आपके पास चल रहा है, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो, ये रिमेनिंग रह गया आपके पास, ये एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास रह जाएगा। सिमिलरली आप लोगों ने कॉस बीटा भी निकाला, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, डिनोमिनेटर तीनों का सेम है, और न्यूमिनेटर में एक में आ रहा है मैग्नीट्यूड ए, दूसरे में आ रहा है मैग्नीट्यूड बी और मैग्नीट्यूड सी, और आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल, तो भाई 1 2 3 यू कैन से दैट कि कॉस थीटा कॉस अल्फा और कॉस बीटा इक्वल है, अगर कॉस थीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल है तो इनके थीटा अल्फा और बीटा भी 100% इक्वल होंगे, दैट मीन्स दे इंक्लाइंड इक्वली टू ए वैक्टर, दिस वन दिस वैक्टर इज इक्वाइन, जो ये इस वैक्टर का ए वैक्टर के साथ एंगल बना है, इसी वैक्टर का बी वैक्टर के साथ जो एंगल बना है और सी वैक्टर के साथ एंगल बना है, दैट इज इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, प्रूफ दैट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर इक्वल टू दिस इफ ए डॉट बी आर परपेंडिकुलर, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, अगर ए और बी दो परपेंडिकुलर वैक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। आप इन दोनों ब्रैकेट्स को नॉर्मल तरीके से डॉट कीजिए, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ए डॉट ए क्या होगा आपके पास, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपको पहले से पता है कि जीरो है, ए डॉट बी या बी डॉट ए इज सेम, तो ये भी आपके पास जीरो है, दिस इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच गाइज।